हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। शास्त्रों के अनुसार पत्नी के बिना तो कोई भी धर्म कार्य नहीं हो सकता, इसलिए यदि यज्ञ का अनुष्ठान किया है तो विवाह की योजना भी अवश्य कर ली होगी। काका, 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 सुनते हो, राजा राम अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। अच्छा? हाँ, सारे नगर में इसी बात के चर्चे हो रहे हैं। तब तो बहुत अच्छा होगा, अयोध्या में फिर से रौनक आ जाएगी, व्यापार कितना बढ़ेगा। हाँ, देश देश के राजा और उनके सैनिक आ रहे हैं, राजमार्गों और नगर की वीथियों में कैसी रेल पेल छाएगी। भैया, अयोध्या में तो खनाखन धन बरसेगा। हाँ सेठ जी, ऐसा ही होगा। जब से सीता रानी यहाँ से गई है, नगरी तो जैसे श्रीहीन हो गई है। हाँ, अब कुछ चहल पहल होगी। अरे रानी भी तो नई आ जाएगी। क्यों काका? अरे तो इतना बड़ा यज्ञ राजा राम क्या पत्नी के बिना ही करेंगे? शास्त्रों के अनुसार पत्नी के बिना तो कोई भी धर्म कार्य नहीं हो सकता, इसलिए यदि यज्ञ का अनुष्ठान किया है तो विवाह की योजना भी अवश्य कर ली होगी। हमारे महाराज राम के आगे तो सारा संसार सर झुकाता है। जिस देश की राजकुमारी अच्छी लगेगी वही राजा अपना हो भाग्य समझेगा। भाई मैंने तो सुना है कि काशी की राजकुमारी बहुत ही सुंदर है और बड़ी मर्यादाशील भी है, और काशी महाराज तो स्वर्गीय महाराज दशरथ के मित्र भी हैं। तुम देख लेना, वही नाता होगा। अरे भैया, मैं एक बात पूछता हूँ, क्या महारानी सीता को वापस नहीं लाया जा सकता? अरे भाई, जिस कलंक के कारण महारानी सीता को वनवास दिया था, महाराज उसी कलंक को फिर अपने माथे पर कैसे लगा लेंगे? भाई, उस समय जो भी हुआ सचमुच वो बहुत अन्याय था। हो सकता है अन्याय ही हुआ, परंतु उन दिनों उस अन्याय के विरुद्ध कोई नहीं बोला, और जब उस समय कुछ नहीं बोला तो अब बातें करने से क्या लाभ? क्योंकि यदि वो अन्याय था तो आज भी उस अन्याय को बदला जा सकता है। बदल कर क्या करेंगे, रानी सीता जीवित ही कहाँ होगी? यदि कहीं होती तो आज तक कोई समाचार तो मिला होता। कुछ भी कहो भैया, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि एक सती स्त्री के साथ जो अन्याय हुआ है उस पाप की भागीदार अयोध्या की सारी प्रजा है। मैं तो कहता हूँ यही अवसर है जब हम सबको राजा पर जोर देना चाहिए कि यदि सीता निर्दोष है तो उसे यज्ञ के लिए वापस बुलाया जाए, नहीं तो समझ लो भैया इस पाप के लिए हम सबको नरक भोगना पड़ेगा। भैया, जब नरक भोगना होगा भोग लेंगे, अभी तो महाराज राम के विवाह की तैयारी करो। यज्ञ की रौनक तो होगी ही, परंतु इससे पहले ब्याह की जो धूम मचेगी उसका आनंद स्वर्गीय आनंद से भी बढ़कर होगा। भाई, मैंने तो महाराज राम की बारात में जाने की पूरी तैयारी कर ली है।